गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम ओम साईं राम। सो गाइस आज का ये जो रीडिंग है ये होगा कि आपका ये जो वीक है ये कैसे जाने वाला है, आपका ये जो सप्ताह है कैसा जाने वाला है। सभी राशियों के लिए है और मैं उनका कैरियर देखूँगी, हेल्थ और रिलेशनशिप को लेकर भी रीडिंग करूँगी और साथ ही साथ बाबा के मैसेजेस भी देखती जाऊँगी आप लोगों के लिए। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस तो जिनकी राशि है एरीस यानी कि मेष, देखेंगे उनका ये जो सप्ताह है कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हेल्थ, कैरियर और फिर लव लाइफ। ओके तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पर है टेम्परेंस जो कि बताता है कि आपकी अगर हेल्थ हम देखें तो ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, अपने खान पान में एक संयम बनाकर रखें और साथ ही साथ एक बैलेंस भी बनाकर रखें। यानी कि बहुत ज़्यादा काम ना करें, मतलब काम करें लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि फिर आप खाने पीने का ध्यान ना रख पाएँ। और अगर ऐसा होता है कि अभी काम नहीं है, सपोज़ आप फ्री हो, तो फिर ऐसा नहीं करना कि फिर खाते ही रहे। यानी कि एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, एक बैलेंस बनाकर रखें। बाकी तो हेल्थ आपकी बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। मेडिटेशन करें, मैं आपको बताऊंगी, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, उससे थोड़ा बचें। कैरियर को लेकर अगर देखें तो ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसा हो सकता है कि कोई नया ऑफर आपको मिले या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ नया करने का आप सोचें, तो बेशक आप शुरू कर सकते हो, आपको उसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप को लेकर देखें तो कुछ लोगों की तो यहाँ इंगेजमेंट दिख रही है मुझे, कुछ लोगों की शादी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में नया आ सकता है। अगर आप वेट कर रहे हैं, स्पेशली आपके ट्विन फ्लेम की अगर मैं बात करूं तो बेशक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। अगर आप पहले से ही मिल चुके हो तो बेशक आपकी बात हो जाएगी, कोई मैसेज आएगा, ठीक है। जो भी है कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपकी हेल्थ को देखें तो, आपके कैरियर को देखें तो, आपकी लव लाइफ को देखें तो, सारे ही जो कार्ड्स हैं आपके सामने आप खुद भी देख सकते हो कितने प्यारे हैं, ठीक है। कोई मुझे यहाँ पर इश्यूज नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वही है कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर रखना है, थोड़ा अच्छे से मेडिटेशन करना है। ये कार्ड जो होता है सेलिब्रेशन का भी होता है, तो बेशक सब कुछ अच्छा जाएगा तो सेलिब्रेशन तो है ही है। बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको दिखा देती हूँ, 10 ऑफ कप्स है। ओके तो बहुत ही अच्छा जाएगा ये सप्ताह आपका। अब बाबा के मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए कि ये बाबा क्या कहना चाहते हैं। खुश हो जाइए अब तो आप। ओके बिलीव। ओके देखिए गाइस आपके लिए जो ईश्वर हैं, जो बाबा हैं, आपको यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को आप समझोगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस आती जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी निगेटिविटी हो सकती है, मे बी के आप किसी को मिस कर रहे हों या फिर कुछ ऐसा हो रहा हो आपकी लाइफ में जो कि आपको लग रहा हो कि पता नहीं ये सच है भी या नहीं है। तो बाबा आपको वही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपको जो दिख रही है वो सच है और जो नहीं दिख रही है वो झूठ है। तो विश्वास रखें और यूनिवर्स पर विश्वास रखें, अपनी श्रद्धा पर विश्वास रखें, ठीक है ना। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके, जो भी अगर डाउट्स भी है ना आपके माइंड में कुछ भी, तो वो भी धीरे से हट जाएंगे, ऑलराइट। और अगर आपकी सोल ग्रुप का कोई बंदा या बंदी है या कोई भी, समटाइम्स एनिमल्स भी होते हैं, हमेशा ह्यूमन की मैं बात नहीं करूँगी, अगर वो आपको हेल्प करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, कुछ डाउट्स हैं अगर आपको अपनी लव लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर, तो आप उनकी हेल्प लें, उन्हें हेल्प करने दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये था मैसेज आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ओके फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय। गाइस तो अब मैं कार्ड देखूंगी उनके लिए जिनकी राशि है सिंह यानी कि लियो, कैसा रहने वाला है ये सप्ताह आपकी हेल्थ को लेकर। और कार्ड्स खुद ही आ रहे हैं, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपका कैरियर कैसा रहने वाला है और आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है।
ओके गाइस, यहाँ पर है 9 of Pentacles, यहाँ पर है 5 of Cups और यहाँ पर है 7 of Pentacles. ऑल राइट. सो गाइस, अगर मैं आपकी हेल्थ को लेकर देखूँ तो हेल्थ तो आपकी अच्छी रहने वाली है. कोई इश्यूज मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप फील करने वाले हो. ठीक है, जो भी हो, हेल्थ में कुछ इश्यूज नहीं है, बहुत अच्छी रहेगी. लेकिन अगर मैं यहाँ कैरियर को लेकर देखूँ और लव लाइफ को लेकर देखूँ, तो बेशक मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है. कैरियर को लेकर मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो या ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हूँ, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि वो खुश नहीं है. ठीक है, इस सप्ताह थोड़ा सा आप उदास महसूस कर सकते हो. मे बी बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका दिल नहीं लगेगा, और उसका रीज़न हो सकता है आपकी लव लाइफ, क्योंकि यहाँ पर 7 of Pentacles है. बेशक आप किसी का वेट कर रहे हैं और काफ़ी सालों से वेट कर रहे हैं, और मे बी आपको उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जैसे कि आप चाहते हो. मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा. तो मे बी इसकी वजह से आपका थोड़ा सा, अगर कैरियर को लेकर मैं देखूँ तो थोड़े से आप उदास रह सकते हैं, आपका मन नहीं लग सकता काम में, ये मैं देख पा रही हूँ. ओके, वैसे हेल्थ को लेकर अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा है. ठीक है, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का कार्ड है, तो बेशक ये जो सप्ताह है आपका एंड होते होते सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप अपने पावर में, अपनी एनर्जी में आ जाओगे. ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. थोड़ा सा आपने मेडिटेशन करना है, और जब भी आपको लो फील होना गाइस, उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो आप लोग. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि बाबा कह रहे हैं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है. यानी कहीं ना कहीं अगर आप किसी का वेट कर रहे हो और उनका मैसेज आपके लिए नहीं आ रहा, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें और वो हो जाएगा आपका काम. ठीक है ना, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि 3 मैजिक्स, यानी कि अच्छा बोलो, सोचो और करो. हो सकता है थोड़े से आप फ्रस्ट्रेट हो, तो मे बी किसी को डांट दो, इस तरीके से बात कर दो थोड़ा सा रूड होकर. तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब नहीं करना है, अपने आप को बैलेंस में रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, आपकी विश पूरी हो जाएगी. ठीक है, सो ऐसा कुछ रहने वाला है आपका ये सप्ताह, और आई होप आपको पसंद आई हो, आपकी ये रीडिंग आई हो. तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और फिर से मैं लेकर आऊँगी एक नई रीडिंग. ओके, सो टेक केयर, बाय बाय. सो गाइज, अब मैं देख रही हूँ कि जिनकी राशि है सैजिटेरियस, यानी कि धनु, उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है, ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, हेल्थ को देखते हुए और कैरियर को देखते हुए और लव लाइफ को देखते हुए. ओके, ओके गाइस, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 of Swords एंड 9 of Cups. ऑलराइट गाइस, एक कार्ड और आ रहा था, ये तो मैं निकालना चाहूंगी इसे. ओके, हेरोफेंट. ऑलराइट, और यहाँ पर है चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक. तो गाइस, बहुत अच्छा रहने वाला है आपका ये सप्ताह. लेकिन मैं कैरियर को लेकर अगर देखूँ तो थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि आपका मन नहीं लगेगा काम में. ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएं, या कुछ भी दे दिया जाए जो कि आपको करना नहीं है. ठीक है, आपको दिल नहीं लगेगा आपका काम करने में, ये मैं बता सकती हूँ. अगर आप जॉब करते हैं तो बिजनेस संभालते हैं, तब भी मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा आप लेज़ी फील कर सकते हैं. हेल्थ को लेकर अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हैं. मे बी आप वर्कआउट करना शुरू कर दें, ठीक है, योगा वगैरह कुछ भी शुरू कर सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आप अगर डिप्रेशन में थे अभी तक, या आपको नींद ना आने जैसी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो आप शायद आयुर्वेदा ट्राई करने वाले हैं या सोच रहे हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है. लव लाइफ को अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी रहेगी, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी. किसी से मिलना चाहते हैं तो मिल जाएंगे, बात करना चाहते हैं तो बात कर लेंगे, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं तो मैसेज आ जाएगा, या आप करना चाहते हैं तो आप उनको मैसेज कर लेंगे. अगर किसी के साथ में कोई ड्रीम आपने देखा है कि भाई इनके साथ में एंगेजमेंट हो जाए इसी हफ्ते, तो वो भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं. ठीक है, लव लाइफ तो बहुत अच्छी रहने वाली है, हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, काम में आपका दिल नहीं लगने वाला, और वो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके मैरिज से ही जुड़ा हुआ है. कुछ ना कुछ ज़रूर है अपनी लव लाइफ में कुछ ज़्यादा ही खोए रहेंगे, जिसकी वजह से काम में दिल नहीं लगेगा. लेकिन उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे ये सप्ताह
जाएगा, लास्ट में कुछ ऐसा होगा कि आप ट्रैवल करोगे, ठीक है। दिख रही है मुझे ट्रैवलिंग यहाँ। देख लेते हैं बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर तीन कार्ड्स आए हैं आपके आपके लिए। मास्टर्स विल चैनल लिव इन द प्रेजेंट। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रीमी होने वाले हैं आप, जो कि मैंने कहा ही था। तो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट में रहना सीखें, ज़्यादा फ्यूचर का ना सोचें। और आपको बाबा चाहते हैं कि बाबा के जो भी मैसेजेस हैं ना, वो आप लोगों तक पहुँचाएँ। हो सकता है कई सारे लोग आपके पास आ सकते हैं ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट की भी एनर्जी है। तो बेशक आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी का, तो काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं आपसे पूछने के लिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए। तो बाबा चाहते हैं कि आप दिल खोलकर उनकी हेल्प करें, क्योंकि अभी जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो उन्हीं की विल है, उन्हीं की इच्छा है। ऑलराइट, और एक मैं और कहूँगी चीज़, वो ये कि हो सकता है एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिले, लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो अच्छा होगा इस हफ्ते, ठीक है ना। अचानक से होगा लेकिन अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस, तो अबंडेंस आने वाली है बेशक। ऑलराइट, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनकी राशि है सेजिटेरियस यानी कि धनु। आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मैं फिर से आऊँगी आपके लिए एक और रीडिंग लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय। हे गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उनके लिए जिनकी राशि है लिब्रा यानी कि तुला, कि उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इस सप्ताह, और बाबा के मैसेजेस भी देखेंगे। कैरियर देखेंगे, लव लाइफ देखेंगे। ओके, वेरी नाइस। ओके, ओहो हो, द टॉवर, टॉवर के लिए मैं एक कार्ड और देखूंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हेल्थ को लेकर अगर मैं देखूँ तो बहुत ही बढ़िया हेल्थ रहने वाली है, कोई इशू नहीं रहने वाला, ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी आपकी हेल्थ। और साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि अगर कैरियर को लेकर मैं देखूँ तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। गाइस, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें या फिर किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा, किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक नई कम्युनिटी आप बनाएं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपकी विश है आपके कैरियर को लेकर वो पूरी हो जाएगी, ये मैं कहूँगी, ठीक है। हेल्थ तो है ही बढ़िया। रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं देखूँ तो कुछ थोड़ी सी कहा सुनी मुझे लग रही है फैमिली में, मुझे लग रहा है कि मे बी आप किसी को अगर लाइक करते हो तो उनके बारे में आप घर पर बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, तो शायद ऐसा हो कि थोड़ी कहा सुनी हो जाए, या फिर आपके पार्टनर के साथ में ही कुछ कहा सुनी मुझे लग रहा है कि हो सकती है। हालाँकि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स है, तो बेशक जो भी बातें होंगी उनका आउटकम तो अच्छा निकलेगा, लेकिन हाँ कहा सुनी तो कोई नहीं चाहता। सो थोड़ा सा आप सोच समझकर बात करें, मैं ये कहना चाहूँगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों आपकी लाइफ में जिनके साथ में आप अटके हुए हैं इतने दिनों से, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सब कुछ मैं देख पा रही हूँ इस हफ्ते हो सकता है। थोड़ा सा मैं कहूँगी आपसे कि शांत रहें और जो भी बोलें ना सोच समझ कर बोलें, ठीक है, ये मैं आपको कहूँगी। बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ओके, बी द लाइट, और यहाँ पर है हार्मनी। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपको देखिए खुश रहना है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए टॉवर का कार्ड आया ही है और मैंने आपसे कहा कि आप शांत रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करें, जो है आपके पास उसके साथ में खुश रहें, बैलेंस बनाकर रखें, उसे ना बिगाड़ें। बी द लाइट यानी कि किसी की लाइफ में आपको खुशियाँ लेकर आना है, किसी की लाइफ में भी आपको दुख या तकलीफ लेकर नहीं आना, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिसकी वजह से कोई दुखी हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक डॉक्टर हो या फिर आप योगा टीचर हो, जो भी है मे बी, और अगर ये कुछ भी नहीं हो तब भी बाबा चाहते हैं कि आप एज अ हीलर ही हमेशा लोगों को एज अ हीलर ही ट्रीट करें, मतलब आप एक हीलर हो और उनको ऐसे ही आपने ट्रीट करना है कि उनको हील करना है, उनको तकलीफ नहीं देनी है। ऑलराइट, ये बताना चाह रही हूँ मैं।
तो ये रहेगा कुछ आपका सप्ताह ऐसा। सो आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मुझे बताएं ज़रूर, ठीक है। तो मैं फिर से आऊँगी एक और वीडियो लेकर अच्छा सा आपके लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो ये जो रीडिंग है ये होगी उनके लिए जिनकी राशि है जेमिनाई यानी कि मिथुन। देखते हैं उनका हेल्थ कैसे रहने वाला है इस हफ्ते। ऑलराइट, और देखिए ये रखा हुआ था मेरे पास और यहाँ कार्ड्स के साथ में आ गया, क्योंकि जो जेमिनाई होते हैं उनको बोला जाता है गणपति की पूजा करने के लिए। गणपति हैं आपके साथ। ओके, चलिए देखते हैं कैसी रहेगी हेल्थ, कैसी रहेगी लव लाइफ, कैरियर। ओके, तो यहाँ पर है एस ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसीलिए आई थिंक ये आ गया था ये फोटो। तो यहाँ पर गाइस मैं देख पा रही हूँ हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, कोई इश्यूज नहीं होने वाले। टी कॉफी थोड़ा कम पिए आप लोग, ठीक है, मैं ये आपको बताऊंगी। पेज ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर इतने वक्त से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो हेल्थ में अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। लव लाइफ को अगर लेकर हम देखें तो बेशक किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है या फिर हो सकता है कोई सोलमेट आपको मिल सकता है अगर आप ढूंढ रहे थे, अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो, ठीक है। और थोड़ा सा आपका कंट्रोलिंग नेचर है, मे बी कोई नया नया आपको पसंद आ जाए और आपको बोलने की हिम्मत ना हो रही हो कि कैसे बोलें, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाली फीलिंग रहने वाली है। सो डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम ले लें, मैं भी यही कहूँगी कि थोड़ा टाइम ले लें, सोच समझ लें, उसके बाद अपनी फीलिंग्स उनको बताएं जिनको भी आप बताना चाहते हैं। देख लेते हैं कि अगर आप बताते हो अपनी फीलिंग्स या फिर किसी का वेट कर रहे हो तो क्या होगा। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, शायद आप दो लोगों के बीच में फंसे हुए हो, है ना, क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सन का कार्ड है, बेशक सब कुछ अच्छा ही होगा लेकिन आप थोड़ा टाइम ले लें, ठीक है, सोच समझ लें। अगर आपके पास किसी का ऑफर आता है तब भी आपको यही कहा गया है कि आप थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लें। बाबा जी का मैसेजेस देख लेती हूँ। हेल्थ, कैरियर, सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, कोई इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं तो मैसेज मिल जाएगा और कुछ नया कर सकते हैं आप, जो कि मुझे लग रहा है कि मे भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो कि भाई एक नया बिजनेस किया जाए, घर पर बैठकर ही किया जाए, तो वो आप शुरू कर सकते हो। शुरुआत होगी, मैं ये देख पा रही हूँ शुरुआत होगी, सक्सेस हो ना हो वो आगे देखा जाएगा और बेशक सक्सेस होगी ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए सन का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, तो सक्सेस तो है ही, लेकिन हाँ शुरुआत कर सकते हैं आप और वो शुरू करिए आप, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसे कार्ड्स मुझे नहीं दिख रहे जिसके लिए मैं आपसे कहूँ कि अरे डरने की जरूरत है। ओके, किसी का मैसेज आएगा गाइस, ठीक है। अब वो कैरियर आपके बिजनेस या जॉब के लिए है या किसी का ऐसे का मैसेज जिसका आप वेट कर रहे थे, मैं बात करूंगी कि आपके पार्टनर का। डू नॉट जज, यहाँ पर आ रहा है आपके लिए कार्ड के किसी को जज ना करें, मैंने कहा ही हो सकता है कि दो लोग हों आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा इशू चल रहा हो। थ्री मैजिक्स, ओके, तो किसी को जज ना करें और ये थ्री मैजिक्स से अच्छा बोलें, सोचें और करें, ठीक है। तो हो सकता है कि ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से कुछ ऐसे काम, ऐसी बातें आप कर जाएं जिसकी वजह से कोई हर्ट हो सकता है, तो बाबा कह रहे हैं कि वो ना करें, इतनी जल्दी किसी को जज भी ना करें और इतनी जल्दी बोले भी नहीं, देख समझ लें, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक कोई एक्शन ना लें। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए रीडिंग जिनकी राशि है जेमिनाई यानी कि मिथुन। आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और अच्छी सी प्यारी सी रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो देख लेते हैं अब उनके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा जिनकी राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। हेल्थ, कैरियर और लव लाइफ। हम्म,
ये भी आ रहा है, चलो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आया है 10 of Cups, वेरी नाइस। तो देख लेते हैं सबसे पहले हेल्थ, ओके, कैरियर, लव लाइफ एंड द हर्मिट, ओके। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन गाइज आपको थोड़ा देख रेख करने की ज़रूरत है अपनी, ओके। काम शायद वर्कोहॉलिक हो रहे हैं आप लोग, थोड़ा कम हो, अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप रखते भी हैं ख्याल, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी थोड़ा कम काम करें और हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दें। ऑल राइट, कैरियर को लेकर देखें तो कोई ऑफर आने वाला है गाइज, और जिनकी तरफ से आएगा हो सकता है वो आपसे थोड़े यंग हों, और फायर साइन हो सकते हैं मे बी, उनकी तरफ से अचानक से एक ऑफर आएगा, जिसकी वजह से एकदम से जब ये ऑफर आएगा ना, तो शायद आप थोड़ा सा घबरा जाएं, लेकिन फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये आपके अच्छे के लिए है, ठीक है ना। मे बी अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हर्मिट की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप स्टक हो, उससे बाहर निकलो, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है कि इश्यूज हों, जो कि एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इस हफ्ते कुछ तो ऐसा होगा, अचानक से होगा, और जो भी होगा वो अच्छा होगा। किसी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, मे बी किसी को स्पाई करें आप ओके, कोई है जो मुंह बंद करके बैठा हुआ है कोई बात नहीं, मे बी उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ मैं कहूँगी 40-50% चांसेस हैं कि मैसेज आए। हालांकि जो भी है आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन लेट्स सी, बेशक बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं आप, और जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो बेशक आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा इस हफ्ते, ओके, कंग्रेचुलेशंस। आपके लिए देख लेते हैं बाबा के कार्ड्स, क्या कहना चाहते हैं बाबा। बी द लाइट, हीलर बनना है आपको, चेंज, ओके, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं आपके लिए, और बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं ये अच्छे के लिए होते हैं। मैंने कहा ना कि हो सकता है कुछ चल रहा हो आपके कैरियर में, कुछ प्रॉब्लम्स हो या लव लाइफ में, जो भी है इट्स ओके, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और आपका पर्पस है एक हीलर बनना और लोगों की हेल्प करना, तो वो आप करते रहें। हो सकता है ये जो अभी सिचुएशन चल रही है कुछ ऐसी हो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पेन में हो, लेकिन वो इसलिए है ताकि आप खुद को और अच्छे से पहचान सकें और इस तरफ और ज़्यादा अच्छे से बढ़ सकें और काम कर सकें, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए जिनकी राशि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। होप आपको अच्छी लगी हो, लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और मैं फिर से आऊँगी जल्दी से जल्दी एक और अच्छी सी रीडिंग लेकर। हालाँकि टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी, ओके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो ये जो रीडिंग है हम करेंगे उनके लिए जिनकी राशि है वर्गो यानी कि कन्या। देख लेते हैं कैसा जाने वाला है ये सप्ताह आपका, हेल्थ को लेकर, कैरियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर। ओके, यहाँ पर है 7 of Swords, 6 of Pentacles, किंग ऑफ सोर्स, ओके। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इश्यूज रह सकते हैं, अपना ख्याल रखें, ठीक है। अर्थ साइन के लोगों का मुझे लग रहा है कुछ हेल्थ को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। कैरियर को लेकर अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है, किसी को अगर आपने पैसे वैसे दिए हैं ना, तो वो वापस आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास आ जाए पैसे लेने के लिए इसके लिए भी तैयार रहें, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर लोन वगैरह है तो वो उसके कंप्लीट होने के चांसेस हैं, मतलब कि जो भी लोन होगा वो आप चुका दोगे, ठीक है, पे कर दोगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आ जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा। लव लाइफ को लेकर अगर मैं देखूं तो शायद आप कुछ डिसाइड करने वाले हैं, कुछ डिसीजन लेना है आपने, तो वो ले लोगे आप इस बार। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा आपको बुरा लगे, मे बी कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनको लेकर आप कन्फ्यूज्ड हो, आपको लग रहा है कि किसको चूज़ किया जाए किसको नहीं, तो ऐसे में बेशक आप जिसको भी चूज़ करेंगे तो अगले वाले को तो थोड़ा हर्ट होता ही है, तो मे बी उसको लेकर थोड़ा टेंशन रहे, लेकिन जो भी है आप डिसीज़न ले लोगे। ये देखिए मैंने कहा था ना, और देखिए टॉवर का कार्ड आ गया। लेकिन जो भी है, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो भी आप डिसीज़न लोगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन वो होगा अच्छे के लिए। हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए ही होता है गाइस,
टॉवर का कार्ड आता है सब लोग घबरा जाते हैं कि क्या क्या हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टॉवर का कार्ड जब भी आता है वो हमारे अच्छे के लिए ही आता है। समटाइम्स ऐसा होना होता है, चीज़ें इस तरीके से बदलती हैं। मे भी जब बदल रही होती हैं तो वो पेनफुल होती हैं, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं बाबा जी का मैसेजेस क्या है आपके लिए। कार्मिक क्लींजिंग, ओके। तो जो भी हो रहा है वो कर्मा ही है जिसकी वजह से हो रहा है, और ये जो आएगा ना मूमेंट टॉवर का, वो कहीं ना कहीं आपका कर्मा ही हटाएगा, ठीक है। तो वो मैंने कहा था ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है, मैं यूं ही नहीं बोल रही, आई नो। देखिए यू आर द यूनिवर्स, यानी कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। खुद के पावर को समझो और जो चाहोगे ना वो हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो तो उस पर वीडियो देखो, ठीक है। जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी। ये पेन भी जो मिलेगा ना वो थोड़े वक्त के लिए मिलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि किसी को भी अपनी बातों से हर्ट ना करें, ठीक है। अगर कोई डिसीजन लेने भी वाले हैं, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हर्ट हो जाएगा सामने वाला, तो डिसीज़न लिया और बोल दिया, ज़्यादा उस पर डिस्कशन करना या ज़्यादा कुछ खरा खोटा बोलना वो नहीं करना है आपने, ठीक है। वो ठीक नहीं है आपके लिए। ऑलराइट, सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। हो सकता है, होप करती हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और मुझे बताएं ज़रूर, ठीक है। क्योंकि ये जो रीडिंग है बड़ी ही अलग सी है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगी आई थिंक। और आप बताइएगा मुझे, ठीक है, मैं वेट करूँगी। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर से आऊँगी एक और नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अब ये मैं रीडिंग करने वाली हूँ उनके लिए जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न। तो देखेंगे कि उनका हेल्थ, कैरियर और लव लाइफ कैसा रहने वाला है इस सप्ताह में। चलिए देखते हैं। ओके, हेल्थ को लेकर इश्यूज़ हैं, हेल्थ, और ये बार बार आ रहा है ये कार्ड। तो आई थिंक कुछ इश्यूज़ हैं आपके लव लाइफ को ही लेकर यहाँ पर। हालांकि सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे, लेकिन हो सकता है ट्विन फ्लेम भी हो, क्योंकि एनर्जी मुझे मिल रही है ये जो कार्ड है यहाँ पर। देखिए कैरियर को लेकर अगर मैं देखूँ तो कैरियर तो अच्छा चलेगा आपका, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेकर इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हेडेक हो सकता है, आपको सिर भारी लग सकता है, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, और वो भी मुझे लग रहा है कि आपके लव लाइफ को लेकर। तो मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं और कंट्रोल करने की वजह से ये हो रहा है। हो सकता है कि किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, उनका मैसेज नहीं आ रहा, आप सोच रहे हैं हम भी मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है गाइस, जनरल इस है रीडिंग, लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आराम रहता है। मैंने पहले भी बताया है, तो आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, वैसे जैसे रेजोनेट करे वैसे ले लो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बर्डन फील हो, थोड़ा हेल्थ का अपना ख्याल रखें, ठीक है। कुछ नया भी कर सकते हैं, मैं जो देख पा रही हूँ कि कुछ नया काम भी आप कर सकते हैं। कोई ऑफ़र मिल सकता है और कोई बड़ा ऑफ़र मिल सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा अपना ख्याल रखें ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये ऑफ़र आए और आपके हाथ से चला जाए सिर्फ इस एनर्जी में रहने की वजह से। देखिए फिर से वैसी ही एनर्जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स और टेन ऑफ सोर्ड्स, इस एनर्जी से बाहर निकलो गाइस, ठीक है। हेल्थ का अपना ख्याल रखो, हेल्थ का मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, देखते हैं बाबा के मैसेजेस क्या हैं। और सब कुछ ठीक है गाइस, लेकिन सिर्फ हेल्थ को लेकर ज़्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होता। और देखिए कंट्रोल करना फीलिंग्स को और खुद से प्यार करना, दोनों में फ़र्क होता है। आई थिंक आप लोगों को बताया गया होगा कि सेल्फ लव करो, कि अपने आप से प्यार करो, किसी पर ध्यान मत दो। तो आपने क्या किया ना, आपने खुद को कंट्रोल किया, सेल्फ लव नहीं सीखा, आपने कंट्रोल कर लिया कि ठीक है मुझे देखना नहीं है, स्पाई नहीं करना, बात नहीं करनी, उसकी वजह से ये हो गया। फ़र्क समझो, ठीक है ना, हल्का सा फ़र्क है, उसको समझोगे तो बेहतर रहेगा। बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए।
ओके, सोल जर्नी ऑल इज वेल। तो देखिए ईश्वर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आप बिन वजह ही इतनी टेंशन ले रहे हो। ये जो अकेले होने का डर है ना, हो सकता है आपको लोनली फील होता हो, तो वो बाबा कह रहे हैं कि वो ये जो लोनली फील करते हो ना, ये गलत है, इसको फील मत करो, क्योंकि हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, अकेला ही हमें हमारा सोल जर्नी जो है उसको पूरा करना है। और इस अकेलेपन को अकेलापन मत समझो, इसको ये समझो कि फ्रीडम है, आप जिस तरह चाहो उस तरीके से इंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैसेज है आपके लिए, बाबा हैं आपके साथ, फिर भी आपको अकेला महसूस होता है, ड्रीम्स में बाबा हो सकता है आपको कोई ना कोई संदेश दें, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए गाइस जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई हो। तो ये हफ्ता कुछ ऐसा निकलने वाला है आपका, ठीक है, मैंने बताया, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। सो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताएं ज़रूर, और मैं फिर से आऊँगी जल्दी से एक और रीडिंग लेकर। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखूँगी उनके लिए जिनकी राशि है टॉरस। देखते हैं उनका हेल्थ, कैरियर, सब कुछ कैसा रहने वाला है। हेल्थ बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। अगर पहले से थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू चल रहा था तो वो ख़त्म हो जाएगा इस हफ्ते। कैरियर को लेकर देख लेते हैं तो बहुत अच्छा कार्ड मुझे यहाँ नहीं दिखा, बेशक कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशानी में आ जाओ। गाइस मैं पानी पी लेती हूँ। टॉरस, ओके, लव लाइफ को लेकर देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, तो थोड़ा सा खट्टा मीठा रहने वाला है ये सप्ताह आपका। कैरियर को लेकर तो बेशक कुछ इश्यूज हो सकते हैं मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन डोंट वरी, जो भी होता है थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है। ये कोई मेजर काना नहीं है जो बहुत दिनों के लिए रहेगा, सिर्फ इस सप्ताह की ही रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखें, ठीक है। किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, अपनी तरफ से बात नहीं करनी है काफ़ी सारे ऑफर्स मिल रहे हैं लेकिन वो अच्छे नहीं लग रहे, और जो अच्छे लग रहे हैं उनकी तरफ से बात नहीं हो रही, मैसेज नहीं आ रहा। तो थोड़े से ज़िद्दी पने वाले मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पर। बहुत अच्छी एनर्जी तो नहीं है गाइस। लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओके, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा ना ऑप्शंस कई सारे हैं लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा कोई। किसी को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में 24 घंटे लेकिन गाइस मैं वही कहूँगी कि अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैसेज वगैरह कुछ आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा बोर फील कर सकते हो। ओके, ये कुछ ऐसा रहने वाला है आपके लिए हफ्ता, ठीक है। बाबा जी का मैसेज मैं देख लेती हूँ। गाइस आप लोगों से मैं कहूँगी कि मेडिटेशन करें आप लोग, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है और उसको ढकना है, और ढककर बोलना है कि जो भी मेरी विशेज हैं वो पूरी हो चुकी हैं, एंजल्स मेरे साथ हैं, मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ और मैं खुश हूँ। ऐसे बोल कर ना वो पानी पी लेना है, अगले ये 7 दिन जो है ना आपको ये करना है, ठीक है। आप अगर किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो ना तो मैसेज आपको मिल जाएगा, आप इस तरीके से करिए ये। ओके, सैडनेस एंड ग्लैड। देखिए गाइस, सुख और दुख ना ये आते ही अपनी लाइफ में, इसलिए इनको इतना ज़्यादा आप ना सोचें कि अरे ऐसे क्यों वैसे क्यों ऐसे हो गया, या कैरियर को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। शांत रहें, शांत तो वैसे भी आप रहने ही वाले हो क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको शायद किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा, और जिससे बात करने का मन करेगा शायद वो आपके पास हो ना, लेकिन बाबा आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि लव से ज़्यादा कैरियर को ही लेकर इशूज़ रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप शायद किसी से बात करना पसंद ना करें, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि थोड़ा सा बोलना सीखें, स्पष्ट बोलना सीखें, ठीक है। चीज़ें अपने मन में रखना और अंदर ही अंदर सब कुछ सोच लेना,
तो ये गलत है, ठीक है। अपना पक्ष लोगों के सामने रखें, लेकिन जो भी सॉलिड है ना बात वो करें, ये नहीं कि ढेर सारी बातें कर दी उनका कोई मतलब नहीं, जो सॉलिड है वो सबके सामने रखें और आपकी बात सुनी जाएगी गाइस, ठीक है ना। और जहाँ बोलने की ज़रूरत है ना वहीं बोलें और उतना ही बोलें, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये इस हफ्ते आपने ऐसे ही करना है। मैं क्यों बोल रही हूँ उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि थोड़े से आप तकलीफ़ में रहने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी रहने वाले हैं, इस वजह से मे भी आप कुछ किसी से ऐसा बोल दें या कर दें जिसकी वजह से फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो वही मैं कह रही हूँ कि थोड़ा बोलें, अच्छा बोलें, सटीक बोलें, वो आपके लिए सही है इस हफ्ते। फिर अगले हफ्ते देखेंगे क्या रहती है एनर्जी, ठीक है ना। तो ये थी रीडिंग आपकी जिनकी राशि है टॉरस। आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आऊँगी फिर से एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो गाइस देखेंगे अब उनके लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह जिनकी राशि है कैंसर यानी कि कर्क। ओके, हेल्थ कैसी रहने वाली है, कैरियर कैसा रहने वाला है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ये हुआ हेल्थ। ओके, हेल्थ बेशक बहुत अच्छी रहेगी लेकिन काम थोड़ा कम करें, ठीक है। हेल्थ अच्छी रहने का मतलब ये नहीं है कि ओवरवर्क करने लग जाओ, दिन रात करने लग जाओ, वर्कहॉलिक हो जाओ। कैरियर को देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। वेरी नाइस। ओके, लव लाइफ को लेकर देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये। ओके, तो किसी का वेट चल रहा है, किसी के लिए डिसीजन लेना है, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज रहने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के मैसेज का वेट कर रहे हों, या फिर कोई मैसेज कर रहा हो तो उसको जवाब देने का वेट कर रहे हो कि क्या जवाब देना चाहिए क्या नहीं। मैरिज से जुड़े इश्यूज मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टेंशन रहने वाली है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं है, इस हफ्ते ही है, ये नहीं कि पूरे महीने ही रहने वाली है। इसीलिए मैंने मंथली रीडिंग नहीं करी, मैंने सोचा इस तरीके से करती हूँ वीकली, वो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ वांड्स, तो बेशक शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं और उसकी वजह से ख्याल रखें, अपना हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। ओवर थिंकिंग की वजह से, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से हेल्थ पर असर ना आए, जितना हो सके आयुर्वेदा ट्राई करें। अगर स्ट्रेस होता है थोड़ा सा, नींद वगैरह नहीं आती या कुछ भी इशूज़ हैं, ठीक है, ये करें, क्योंकि आखिर में आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा। फोर ऑफ वांड्स है जो कि सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। कुछ ऐसा होता तो मैं खुद ही बोल देती जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है, मैं रेमेडी बताती, है ना। कुछ नहीं है, अच्छे से निकल जाएगा ये हफ्ता आपका, लेकिन थोड़ा कम सोचें। साई बाबा देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। शेल्फ लाइफ, डिसीज़न लेना है ना आपको। बाबा कह रहे हैं कि ये डर अपने अंदर से निकाल दो कि कोई चला गया तो मेरा क्या होगा। बाबा कह रहे हैं कि हर रिश्ते की, जो भी रिश्ता होता है ना, उसकी एक लिमिट होती है आपके साथ रहने की, इतने से इतने टाइम तक वो रहेगा, इतने से इतने टाइम तक ये रिश्ता रहेगा। तो आपके डरने से कुछ नहीं होने वाला, अगर वो जाएगा तो जाएगा, और अगर वो वापस आएगा ना तो वो वापस आएगा, इसलिए परेशान ना हो। एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और जो भी चिंताएं हैं वो धूनी में डाल दें, ओके। ज़्यादा ना सोचें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें, जो चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन सोचें ना, ठीक है, सोचें नहीं, परेशान ना हो। इससे अच्छा ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें, मैनिफेस्टेशन करें, जो एनिमल्स हैं उनको प्यार करें, धूनी में सारी टेंशन डाल दें, बाबा खुद ही देख लेंगे, ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग जिनकी राशि थी कैंसर। आई होप आपको पसंद आई हो, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है गाइज, यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। देखो हेल्थ अच्छी है, कैरियर अच्छा है आपका, सिर्फ लव लाइफ में थोड़े से इश्यूज़ हैं लेकिन वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कैरियर में मैं बताना चाहूँगी कि कुछ बड़ा चेंज आने वाला है, हो सकता है कोई ओहदा आपको दे दिया जाए, बड़ा ओहदा जो कि आप सोच भी नहीं रहे हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपका कोई चैनल है, यूट्यूब चैनल या कुछ भी, तो पता चला रातों रात ही आप फेमस हो गए, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, एनीथिंग। ओके, कुल मिलाकर मैं यही कहूँगी कि अच्छा बहुत रहने वाला है, तो परेशान ना हो, ठीक है। रेजोनेट किया हो तो मुझे बताना ना भूलें, और मैं फिर से आऊँगी एक और अच्छा सा वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
ओके गाइस, तो अब देखेंगे जिनकी राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, उनका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, उनकी हेल्थ को लेकर, कैरियर को लेकर और लव लाइफ को लेकर। हेल्थ को लेकर वेरी नाइस, कुछ नया कुछ चेंज करने वाले हैं, तो डाइट प्लान चेंज करेंगे या वर्कआउट करेंगे, कुछ तो करेंगे। कैरियर को देख लेते हैं। ओके, कैरियर ठीक ठाक है गाइस, बहुत अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा सा आई थिंक आप अपने काम से ध्यान हटाकर कुछ और चीज़ों पर ध्यान लगा रहे हैं। यहाँ पर दो कार्ड्स गिरे हैं, एक है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, दूसरा है थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइज, अगर इस हफ्ते आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं ना, तो ना करें, ठीक है। अगले हफ्ते पर डाल दें, चीज़ें ठीक नहीं लग रही मुझे। ऑलराइट, जो भी है अगले हफ्ते के लिए रखें, क्योंकि आप अगर अभी किसी से बात करेंगे, किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं, तो उसका असर पड़ जाएगा, ठीक है। सामने वाला हो सकता है उतने अच्छे मूड में ना हो, जो भी हो, और उसकी वजह से फिर आपकी हेल्थ, आपके कैरियर पर असर पड़ेगा, तो थोड़ा दूर रहें, ठीक है। क्योंकि इस ये जो सप्ताह आपका निकल जाएगा ना, उसके बाद सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि उसके बाद सब कुछ ठीक है। ये हफ्ता थोड़ा आपकी लव लाइफ को लेकर ठीक नहीं है, और अगर ऑलरेडी आप किसी को जानते हो, सपोज उनके साथ में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है, तो थोड़ा शांत रहो इस सप्ताह, शांत रहो, अगली बार देखना, ठीक है। क्योंकि आप कुछ अच्छा करने चलोगे, हो जाएगा उल्टा, मन नहीं लग रहा काम में, थोड़ा मन लगा लो, और भी कई सारी चीज़ें करने के लिए वो कर लो, ठीक है। जिमिंग वगैरह दिख भी रहा है मुझे आप करने का सोच रहे हैं, तो वो करो। थोड़ा सा इस हफ्ते ना थोड़ा सा टाल दो, और लव से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है। सफरिंग्स है यहाँ पर, ये सफरिंग्स होती हैं क्योंकि आप और बेहतर बन सको, बाबा ये कह रहे हैं, तो मे भी कुछ देखिए लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड देखो आ गया, ठीक है ना। तो इस हफ्ते रुक जाओ, फिर उसके बाद तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ही, और यहाँ पर देखो बाबा ने भी कह दिया कि सेलिब्रेशन है, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ और फिर सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। थोड़ा कैरियर को लेकर मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद काम को लेकर थोड़े से आप आलस्य महसूस करें, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो भी है निकल जाने दो, ये हफ्ता निकल जाने दो, और सब ठीक है। हेल्थ तो ठीक है, कैरियर भी ठीक है, लव लाइफ थोड़ा मुझे लग रहा है, तो इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन बाबा की तरफ से आ गया है ना, तो फिर चिंता मत करो, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ये जो हुआ है या होने वाला है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि और ज़्यादा आपका रिश्ता स्ट्रांग बन सके, जिनको भी आप प्यार करते हो, सोचते हो प्रपोज करने का, या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और कुछ खटास सी आई है, तो वो आपके अच्छे के लिए आई है, क्योंकि और ज़्यादा स्ट्रांग हो ये कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसा रहने वाला है कुछ आपका ये सप्ताह। आई होप आपको पसंद आई हो रीडिंग, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर से आऊँगी मैं जल्दी से, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो ये रीडिंग है उनके लिए जिनकी राशि है पाइसेस यानी कि मीन। देख लेते हैं उनका ये जो सप्ताह है कैसे रहने वाला है। सबसे पहले देखेंगे हेल्थ, हेल्थ तो बहुत अच्छी रहने वाली है। प्यार बहुत मिलने वाला है माँ से स्पेशली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास्ट से आने वाला हो, कोई फ्रेंड मिल जाए जो बहुत दिनों से आपको नहीं मिला, या आपकी कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी मेमोरीज हो सकती हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं। हेल्थ हालांकि अच्छी रहेगी। कैरियर देख लेते हैं कैरियर के लिए क्या आता है यहाँ पर। ओके, हैंगमैन है, तो कैरियर के लिए मुझे ज़्यादा कुछ ऑलराइट। ओके, तो अगर कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो मे भी जिनके साथ कर रहे हैं, शायद आपको थोड़ा उनके बिहेवियर की वजह से परेशानी हो, तकलीफ हो, ऐसा हो सकता है। ओके, कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं। लव लाइफ को लेकर देख लेते हैं क्या है। लव लाइफ को लेकर भी थोड़े से इश्यूज हैं, शायद कंफ्यूज्ड हैं आप, कंफ्यूज रहने वाले हैं। ओके, देखने वाले हैं कि कौन आपकी विश है कौन नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मे बी कोई ऐसा है जो आप करेंटली आपके साथ है, और कोई ऐसा है जो पास्ट में पहले आपके साथ था, तो मे बी उनकी बहुत याद आने वाली है, क्योंकि करेंटली आप जिनके साथ डील कर रहे हैं शायद वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं और इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हेरोफेंट का कार्ड है। जो भी है इस हफ्ते थोड़ा रहने वाला है ऊंच नीच, थोड़ा लो एंड हाई रहने वाली एनर्जी, लेकिन इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, यानी कि ये हफ्ता निकल जाएगा ना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा अपना ख्याल रखें, ठीक है। मेडिटेशन करें, और इस हफ्ते
अगर बात डिसीजन लेने की है तो टाल दें, ठीक है, अगले हफ्ते करें तो सही रहेगा आपके लिए। कुछ है, कुछ तो है जिसमें अटके हुए हैं, बिजनेस हो या रिलेशनशिप, कहीं थोड़ा अटकाव तो है। अगर वैसे मैं देखूं तो हेल्थ अच्छी रहने वाली है, बिजनेस में थोड़े इश्यूज रहने वाले हैं, लव लाइफ में थोड़े से इश्यूज रहने वाले हैं, ये ऐसा कुछ जाने वाला है आपका हफ्ता। लेकिन इट्स ओके, आप थोड़ा मेडिटेशन करो, उसके बाद अगले हफ्ते मैं कहूँगी अगर कुछ डिसीजन लेना है ना तो अगले हफ्ते के लिए रखो, ठीक है। बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। लाइफ पर्पस, तो अपना लाइफ पर्पस ना भूलें गाइस, जो भी लाइफ पर्पस है इस दौरान। बाबा ये कह रहे हैं कि मे भी कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि आप अपना लाइफ पर्पस भूल रहे हो, और अगर आप भूलते हो ना तो ये इश्यूज़ बने रहेंगे आपकी लाइफ में। अब फेस द रियलिटी, और जो रियलिटी है उसको फेस करें, ठीक है, इल्यूजन में ना रहें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको अच्छी लग रही हो लेकिन नहीं अच्छी आपके लिए, ठीक है। बाबा ये कह रहे हैं शिव शक्ति यानी कि एनर्जी को बैलेंस में बनाकर रखें इस दौरान। हो सकता है, मैंने कहा ही एनर्जी लो एंड हाई हो सकती है, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि एनर्जी को अपना बैलेंस में बनाकर रखें, मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता। होप आपको पसंद आई हो आपकी ये रीडिंग, आपको मैंने बताया भी आपको क्या करना है, ठीक है। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी है तो ज़रूर बताएं, और ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।